सर वैसे अभी आपने यहाँ जो पॉइंट उठाया, यही सवाल दुबई में बैठी मीडिया ने आपसे पूछा है, आपने भी जो बोला, उन्होंने कहा अक्षय यू हैव सीमेंटेड योर पोजीशन एज एन एक्टर हु हैज टेकन अप सोशल कॉजेज इन मूवीज लाइक बैडमैन, टॉयलेट एक प्रेम कथा एंड मिशन मंगल. हाउसफुल ऑन द अदर हैंड इज एन आउट एंड आउट एंटरटेनर. यू नो व्हाट मेड यू गेट बैक टू दिस जॉनर? Because I like this genre. I want to, I mean, say, main वैसे जवाब दे चुका हूँ कि I wanted to take a holiday. I wanted to ask, मतलब just to, मतलब you know, दिमाग को खोलना भी पड़ता है कि एकदम बेफिक्र होके एक कैरेक्टर के अंदर घुस जाओ और जैसा स्क्रिप्ट लिखा है उससे भी आगे बढ़ जाओ. मतलब कई बार होता है कि मैंने देखा है कि डायरेक्टर बोलता है कट, आई वॉन्ट यू टू हैम मोर, थोड़ा और हैम करो और जोर से करो. सो यू जस्ट गो क्रेजी अबाउट इट एंड इट इज अ स्लैपस्टिक कॉमेडी. आई वॉन्ट टू ब्रिंग दिस नोटिस दैट कि जो स्लैपस्टिक कॉमेडी होती है हमारे यहाँ ज़्यादा उसकी कदर नहीं की जाती है, लेकिन आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट जॉनर टू प्ले ऑन स्क्रीन. एंड आप जो मनीष जानते हैं, आप इतनी कॉमेडी होस्टिंग करते हैं, इतनी कॉमेडी फिल्मों में काम भी कर चुके हैं. सो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, इट इज़ वेरी 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 डिफिकल्ट टू मेक पीपल लाफ. एंड अगर आपका पंच लाइन कितना भी अच्छा लिखा हो, अगर आप सही तरीके से बोले ना, तो वो मुंह के बल आके गिरता है. तो दैट्स इट. बिल्कुल. एंड ये पूरी टीम जो यहाँ पे बैठी है, इनको मैं चाहूँगा पहले तो एक बार जोरदार तालियां बजाएं. मैं बताऊँगा क्यों. ये तालियां इसलिए हैं बिकॉज बहुत रेयर है बॉलीवुड में कि फ्रेंचाइज जो है वो चौथे तक पहुँच गई है. सो आई थिंक दैट इज़ रियली कमेंडेबल. तो आई थिंक वो ऐसी क्या बात थी कि आपको लगा कि हाँ यार इसकी जो सक्सेस है बिल्कुल ये बढ़ती जाएगी और चौथी भी बना दी गई हाउसफुल फोर? ये दुबई में मीडिया ने आपसे पूछा है सर. 200 करोड़ छोटा ही सोचना, 400 सोच के बैठे हम कमाल कर. चौथी क्यों बनी? तो इसका जवाब तू देना. एक तो एक अक्षय को हॉलिडे चाहिए था, दूसरी थर्ड बहुत बड़ी हिट थी. ये फ्रेंचाइज अपने आप बनती नहीं है, ये बनाते ऑडियंस. क्या बात है. Every franchise which increases is decided by the audience, and I think we pray ki you all like the fourth one, so we go for the fifth. और woo! और ये बात तय है कि ये सबसे expensive holiday है. Well, okay. Anybody here with a question now? पीछे पीछे सर ने बोला है, पीछे से कौन सवाल पूछना चाहेगा? पीछे दो या दो सवाल पूछ लो भैया, कोई पीछे माइक दे दो. पीछे से सवाल पूछें. किधर बेटा माइक भी ले लो. जी चले गए. किधर गए? अच्छा भूषण खिलाड़ी. माइक नहीं चल रहा. कोई नहीं, तुम्हारे फेफड़े बड़े हैं, वैसे जोर से बोल दो. हेलो अक्षय सर. हेलो. हाँ हेलो, सुन ली, क्वेश्चन पूछो. हेलो अक्षय सर, आई एम फ्रॉम कुर्टुवाड़ी, सोलापुर से पास का छोटा सा गाँव है. वहाँ पर हम आपका बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, मूवी सेलिब्रेट करते हैं. मराठी सर, मराठी सर, आपला सोलापुर है. सोलापुर. हेलो सर. हेलो सर, आपला सोलापुर गाँव है. माझ्यासोबत आपचे सोलापूरचे पण ग्रुपचे आहेत, सुरेश जगलेकर. हॅलो सुरेश. सुरेश कुठे? आणि सर मी कुर्टुवाडीवर आहे, तुम्हाला भेटलो होतो मागा 21 तारखेला भेटलो होतो आपण सगळेजण. तेव्हा तुम्हाला सांगितलं की सेल्फ डिफेन्सचं पण आम्ही केलं होतं वाढदिवसाला. आणि आत्ता सुरेश जे आहेत सोलापूरचे, त्यांनी पण ब्लड डोनेशन केलं होतं, 101 ब्लड डोनेशन केलं होतं. सर एक रिक्वेस्ट आहे सर, प्लीज एकदा गळाभेटी करून घ्या प्लीज. काय झालं? माझी गळाभेट असतो मला सर, प्लीज. हो थांब, आता करूया ते, नक्की करूया. पण मी मी सगळ्या मीडियाला हे सांगायला पाहिजे, मला आय जस्ट वॉन्ट टू लेट यू नो अबाउट माय फॅन्स, माय पीपल देअर हु देअर. I must tell you, no, and it is just not because they are there. I must tell you ki mera birthday ho ya koi bhi film ho, kabhi bhi ho, ye itne acche acche karya karte hain, blood donation camp karte hain, they put so many trees, they do self defense camp karte hain, and so many things which I keep on looking at, and I'm very very thankful to you guys. Sir, thank you very much. Me ye to ghabro ko. लवकर ये, धावत ये. आणि बघ कॅमेरा खाली नको करू. अक्षय सर लवकर. अक्षय सर. हा सर, अजून लास्ट क्वेश्चन. अक्षय सर क्वेश्चन. सर अक्षय सर. हा लवकर ये. एक मिनिट सर.
चला 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 आता लास्ट सर अक्षय सर इज मोर देन बाहुबली इज इट ट्रू सर ये मेलबर्न में बैठी मीडिया जानना चाह रही है सर इसको कैसे मालूम है सर ये सवाल ऑब्वियसली स्टूडियो को पूछा जाए बिकॉज वही जो जैसे अक्षय सर ने इंट्रोड्यूस किया था द धनवान द फॉक्स या सो आई थिंक सो दे आर अ बेटर पीपल टू जज मैं तो अपनी रिक्वायरमेंट्स दे देता हूँ बट इट्स अप टू देम एज टू हाउ एक बात बता कैसे हो सकता है जब 65 डेज में बनी हुई फिल्म को कैसे हो सकता है सर वो देखें सर मेलबर्न जी आई जस्ट फील बिल्कुल नहीं ये फिल्म हमने करीबन 65-70 डेज में बना दी थी तो उसका बजट और इसका बजट ज़मीन आसमान का फ़र्क है एंड मुझे लगता है हमने ये करीबन 80-85 करोड़ में बना ली ये फिल्म एंड बाकी जितना कुछ और था जो लिया था फॉक्स से वो बाकी मैंने निचोड़ लिया यही है कि बिना अक्षय जी के बजट के ये बाहुबली से कम है ओके अगला सवाल रेडियो हांजी से है और ये अगेन डायरेक्टर साहब के लिए फरहाद सर आपसे पूछना चाह रहे हैं हाउ कैन दी री इनकार्नेशन सब्जेक्ट बी लाफेबल दैट्स व्हाट यू हैव टू सी या बिकॉज यही तो चैलेंज था और यही तो मजा है कि हम वो नहीं देखिए आजकल की फिल्मों में क्या हो गया है वही फॉर्मूला चलता नहीं है कुछ नया कॉन्सेप्ट कुछ वैकी वियर्ड थॉट्स चलते हैं एंड जब ये आइडिया आया था बिकॉज आई हैव रिटन हाउसफुल 2 आई हैव रिटन हाउसफुल 3 एंड 4 भी जब हम लोग लिख रहे थे तो ये जब जर्म आया जब आइडिया आया सो वी न्यू दैट ये सर क्या है ना आज फिल्म इंडस्ट्री में अच्छे से ज़्यादा अलग चीज़ चलती है मैं वो मानता हूँ और यहाँ पे ये अलग भी है अच्छी भी है एंड आई होप एंड प्रे एवरीवन लव्स द फिल्म क्या बात है सर वेल सेड तो चलिए मेलबर्न थैंक यू सो मच वेल आपके सारे सवालों के जवाब यहाँ पे आ चुके हैं लेट्स गेट बैक टू द मीडिया हियर प्लीज यू कैन स्टार्ट विद द क्वेश्चन माइक भी लगा लो मुझे मैडम आपको देख के माइक भी बंद हो गया माइक की बोलती बंद हो गई दूसरा माइक दे दीजिए प्लीज नितेश तहखाना खोल दो मेरे को लगता है इस फिल्म के बाद सब तेरे पास आने वाले हैं अगर इंडिया को कोई चाहिए होगा वेपन सब तेरे पास ही आएगा मेरा क्वेश्चन बॉबी जी से है आपने कुछ टाइम पहले एक बहुत बड़ा ब्रेक लिया था और उसके बारे में आपने खुल के बात भी की है तो जब आपने काम रिज्यूम कर लिया है वापस एंड आपको काफ़ी तारीफें भी मिल रही हैं आपने पर्सनली क्या चेंजेस लाए हैं अपने आप में एज एन एक्टर आफ्टर यू रिज्यूम लाइक हम कह सकते हैं बॉबी देओल 2.0 व्हाट चेंजेस हैव यू मेड क्या है कि मेरे साथ जो बैठा मेरा दोस्त अच्छे भैया इसने ज़िंदगी में इतनी मेहनत की है और मैं हमेशा सोचता था कि ये इसीलिए इतना सक्सेसफुल है और बस मैंने अंदर बस एक बात को पैदा किया है कि मेहनत करो ज़्यादा और फिर लोग देखेंगे और काम मिलेगा तो मैं बस यही कहता हूँ कि आप सबको यू शुड बिलीव इन योरसेल्फ पॉजिटिव सोचो फिर काम मिलता रहेगा और इसीलिए मैं बहुत लकी हूँ कि मेरे इस पॉजिटिव एटीट्यूड को देख के सब ने मुझे इस फिल्म के लिए चूज़ किया And I'm very grateful for that. But end of the day, it's, as Akshay said, luck really factors, but you have to do that 30% or 40% of hard work. If you don't do that, that luck doesn't matter then. Three cheers for Bobby. Sir. Hi. Yes. Hello. एक बैचलर टेस्ट होता है जिसमें कहते हैं कि एक फिल्म में दो एक्ट्रेसेस या उससे ज़्यादा होनी चाहिए और उनको आपस में बात करना चाहिए अपार्ट फ्रॉम मेन एंड हम यूजुअली देखते हैं कि जब भी कॉमेडी मूवीज़ आती हैं तो एक्ट्रेसेस को उतना मतलब फुटेज नहीं मिलता है मूवी में तो इस फिल्म में एज एक्ट्रेसेस आप अपने रोल के लिए क्या कहना चाहेंगी बिकॉज आप तीनों ने ऐसे रोल्स चूज़ किए हैं हमेशा जिसमें एक्ट्रेस का मीटी रोल हो जो हम कह सकते हैं Well, I personally feel, to be very honest, that for me, the story and the script is the main king. And when I heard the story of Houseful 4, I fell down because it was so, so funny. Having said that, as an actor, aapko agar 5 scene bhi mile, aur wo scene kamal ke scene ho, to even that's enough. I don't think length is what that matters. Hi, excuse me. Hello. Hi, and I have a question for Akshay. Can we let the others answer, please? Sorry. And like I said, this is, you know, even it's Houseful, but we are like new age women.
We're powerful women in this film. And I think that's the change that, you know, the series has made. And like, I mean, kudos to Nadia sir and the team for that, for actually showing, like, we are warriors. Like I said, we've been raised to be warriors. And I think that's what's the change that you're going to see in this film. Yeah. I think, like Kriti said, it's not the length of the character, but the character that really matters. And I think at the end of the day, if you're happy looking at yourself, doing a little something that you know you will enjoy, like they say, it's not about quantity, it's about quality. It's as simple as that. And Houseful 4 is quality and loads of it.